नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शनों की बात है पीएम मोदी के, तो पीएम मोदी जिस भी मंदिर में जाते हैं और वहां पर एक भक्त के रूप में ही जो है वो कह सकते हैं कि पूजा अर्चना जो है वो करते हैं, चाहे बात काशी विश्वनाथ की हो या फिर महाकाल उज्जैन की बात हो। और अब जब नाथद्वारा पहुंचे तो बिल्कुल वो अलग स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर दिख रहा है। देखिए जो भक्त और भगवान के बीच एक कनेक्शन होता है, उसी कनेक्शन को लेकर प्रधानमंत्री भी मौजूद है, उसे मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहले से ही आस्था यहाँ श्रीनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री की रही है। मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ पर पहले आए, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद अब उनका ये पहला दौरा कहा जा सकता है श्रीनाथ मंदिर में। संतुष्ट अच्छा पता है कौन है पीएम मोदी, कौन है मोदी? पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जी। क्या अच्छा लगता है आपको मोदी जी में? मैं मोदी जी बहुत अच्छे, उन्होंने बहुत अच्छे से भारत देश को संभाल के रख रखा है। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, मैं उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो देखिए बच्चों के साथ भी पीएम मोदी का एक खास रिश्ता बना हुआ है, क्योंकि अक्सर कार्यक्रम में आप देखते हैं जब भी पहुंचते हैं तो बच्चों के लिए अलग से समय जरूर निकालते हैं, और इसी वजह से इसी एक्साइटमेंट रहती है। और ये देखिए यहाँ पर ढोल नगाड़े एक बार फिर से बजते हुए नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये देखिए हाथ हिलाकर हर कोई किस तरीके से पीएम मोदी का स्वागत करता हुआ, और मोदी मोदी के नारों चारों तरफ गूंजते हुए, और चारों तरफ आप देखेंगे इसी तरीके से आम लोगों की जो उत्सुकता है, जो जोश है, इसी तरीके से बढ़ता हुआ मोदी मोदी जो कि अपने आप में एक गीत बन गया है। हर जगह जहां पर भी पीएम मोदी का कार्यक्रम शेड्यूल होता है वहां पर मोदी मोदी शुरू हो जाता है। ये देखिए इन तस्वीरों को बयां करना, कुछ कहना आपका नाम क्या? कृष्ण को दिया गया है उस मूर्ति को भेंट करते हुए आप देख रहे थे। इसके साथ साथ वहां पर शॉल उड़ाई गई प्रधानमंत्री को, उन्हें भेंट की गई, रजाई भी उन्हें भेंट की गई, और जो भोग लगाते हैं दरअसल जो भक्त, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, उसी भोग को प्रसाद के रूप में वहां पर पंडित भी देते हैं, और यही तस्वीरों में आप देख रहे थे। दूसरी तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं जहां पर देखिए जब काफिला नाथद्वारा पहुंचा तो किस तरह से दोनों तरफ जो थे खचाखच लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद रही, और लोगों ने पुष्प वर्षा कर यानी कि फूलों की बारिश कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया। और ये दूसरी तस्वीर मंदिर के अंदर की लगातार हम दिखा रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाथद्वारा के श्रीनाथ मंदिर में मौजूद हैं, वहां पर पूजन अर्चन का कार्यक्रम चल रहा है, और शीश नवाते हुए भगवान के दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं। इस वक्त वो प्रधानमंत्री के भेष में आप नहीं कहेंगे, ये अलग ही रूप है, भक्त का रूप है, एक श्रद्धालु का रूप है जो अपने भगवान के दरबार में पहुंचा है। और यहां पर देखिए पंडित से भी बातचीत वो कर रहे हैं, और कुछ देर पहले वो तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई जिसमें भेंट स्वरूप उन्हें शॉल दी गई है, रजाई दी गई है और प्रसाद दिया गया है। हमारे संवाददाता लगातार आबू रोड से भी जुड़े हुए हैं, नाथद्वारा से हमारी सहयोगी रितिका जुड़ी हुई हैं, जो बता रही थी कि मंदिर के बाहर भी उत्साह और जोश लोगों का जबरदस्त है, वो श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री बाहर आएंगे तो उनकी बारी फिर श्रीनाथ मंदिर में जाने की होगी, पूजन अर्चन करने की होगी, और इसके साथ साथ वो दरअसल प्रधानमंत्री को भी देखने के लिए बेताब है, क्योंकि उनका कहना है कि अब जब श्रीनाथ जी मंदिर आए हैं तो भगवान के तो पूजन अर्चन करेंगे ही, लेकिन प्रधानमंत्री मौजूद हैं तो क्यों ना प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर ली जाए, उनकी एक झलक पा ली जाए। छोटे छोटे बच्चे वहां पर अपने परिवार के लोगों के साथ मौजूद थे, और उनको भी आपने सुना कि वो किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जानते थे, समझते थे, और किस तरह से एक्साइटेड वो लोग थे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। हालांकि अब यहां से सीधे जो है काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निकलेगा सभा स्थल की तरफ। ये दूसरी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर देखिए जो मूर्ति भेंट की गई श्रीनाथ जी की, और बाल स्वरूप काला रंग उन्हें दिया गया है, क्योंकि कान्हा के लिए यही कहा जाता था कि वो सांवले थे। तीन तस्वीरों के जरिए आप नाथद्वारा की तस्वीर जो है अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। तीन तस्वीरें जहां पर देखिए इस दौरे की हर एक जानकारी आप समझ सकते हैं, और कुछ ही देर में सभा स्थल भी यहां पर पहुंचेंगे
क्या संदेश देंगे ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना है, लेकिन सौगातों के जरिए जनता को साधने की कोशिश है। और देखिए मेवाड़ इलाका है और एक मारवाड़ इलाका, और इन दोनों का जो सेंटर पॉइंट है, जो सेंटर मीटिंग है, वो सिरोही है। तो अबू रोड पर कुछ ही देर में पहुंचेंगे और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि मेवाड़ और मारवाड़ दोनों को साधने की कोशिश आज के दौरे के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। पहली तस्वीर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंचा नाथद्वारा, लोगों ने पुष्प वर्षा करते हुए उनका स्वागत किया और पुलिस भी आप देख सकते हैं वहां पर मौजूद है, लोग हाथ हिला रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए, काफी मुश्किल यहां पर पुलिस को हो रही थी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। और दूसरी तस्वीर आपको मंदिर के अंदर की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए उन्हें भेंट की गई है मूर्ति श्रीनाथ की और लोगों को सुनते हैं। ऐसी कृपा बनी रखे भले हमने अपने पूरा कारोबार वगैरह बंद का मोदी साहब के लिए और दर्शन किए मोदी साहब हमको बिल्कुल। आज हमारे नाथद्वार में मोदी उत्सव बन रहा है, मोदी उत्सव यहाँ पर बन रहा है क्योंकि यहाँ पर मोदी का आगमन हुआ है और हर धर्म के लोग यहाँ पर इसी तरीके से उत्साहित क्योंकि पीएम मोदी की सभी ने झलक पाई है। मैं बड़ौदा से मोदी जी को मिलने आया हूँ और मोदी जी जैसा आदमी इस वर्ल्ड में नहीं है, इस वर्ल्ड में नहीं है। सभी है तो सब है, मोदी है तो उनके पे सब संभव है। मोदी जी के जन्मदिन पे हमने आदर वो कराया मंदिर में। अच्छा, ये दान किया है मोदी के नाम? यस सर, मोदी के नाम के बर्थडे में, मोदी के बर्थडे पे कराया है, मोदी जी की 100 साल पूरे। अच्छा, एक चीज अगर मैं जानना चाहूँ कि प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी और अच्छी चीज क्या लगती है? सबसे जितना सबसे बेस्ट है सबके लिए, विनम्रता विनम्रता मोदी की विनम्रता सभी वर्ग के लिए, मोदी सभी वर्ग के लिए बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। देखिए कपड़े अच्छे पहनते एक को तो ये बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, धक्के मत मारिए प्लीज, मैं सबसे बात करिए, धक्के मत मारिए। सीपी साहब आते पर कुछ नहीं करते, हम इतना नहीं जानते देखने, मोदी जी के लिए काम छोड़ के आए देखने को। आज घर का काम नहीं किया? नहीं करा। खाना पीना? सब भूखे। हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी बहुत अच्छे लगते हैं हमको। और मोदी दो घंटे धूप में खड़े रहे और पुलिस वाले गाली गोलों से बात करते हैं, वो गलत बात है। मोदी जी बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री के लिए ये जरूरी है, ये इन सब को मोदी जी बताए, हमारे लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुबह से इंतजार कर रहे थे? सुबह 8 बजे से। 8 बजे से? तो देखिए सुबह सुबह से लोगों की यहाँ पर तकारी लगनी शुरू हो गई थी क्योंकि इन्हें मालूम था कि देखिए मोदी मोदी के नारे लगातार जारी है। देखिए अभी कुछ और बच्चे आए। हमको तो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मोदी जी हमारी आन बान और शान है। मोदी जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी की जय हो। तो मोदी जी की जय हो, घर घर मोदी, हर हर मोदी, यही नाम है। प्रशासन गलत है, प्रशासन लुटेरा है, देश का बब्बर शेर आया है नाथद्वारा में। बस इन सब की बातें मुझे लगता है नहीं कोई फायदा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मोदी जी आए, मेरे को उनसे मिलना है। बड़ी खुशी हुई वो आज यहाँ आए श्रीनाथ जी की पावन नगरी पर। तो देखिए जितने लोगों की उत्सुकता आप देखेंगे उससे ज्यादा कहीं ज्यादा बच्चों की भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है क्योंकि आज स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है क्योंकि पीएम मोदी का आज आगमन हुआ और ऐसे में एक्साइटमेंट बच्चों की ज्यादा बढ़ती हुई क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना है। जी अम्मा, अम्मा हेलो, सारा छे मोदी बहुत सरस काम छे। कौन सा काम अच्छा लगता है? सबका, कांग्रेस का नहीं भाजपा का अच्छा लगता है। तो चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काम करते हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं और पूरा का पूरा रूट आप देखिए मोदी मोदी के नारे गूंजते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसके बाद एक सभा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दामोदर मैदान में जहां पर वो रैली को संबोधित करेंगे, लेकिन इसके साथ ही 5,500 करोड़ की परियोजना को शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही नाथद्वारा की धरती की अगर बात करें तो यहाँ प्रभु श्रीनाथ के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद आज पहली बार जरूर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए पहले भी आ चुके हैं। ऐसे में रिश्ता अपने आप में बेहद ऐतिहासिक, बेहद खास। और देखिए
लोगों की भावनाएं यहाँ पर कम नहीं हो रही है। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रही हूँ ये काफिला मेरे साथ ही बढ़ता हुआ आगे दिखाई दे रहा है। मोदी मोदी के नारे, और ये कोई अभी फिलहाल शुरू नहीं हुआ है, सुबह से इसी तरीके से लोगों की बातें हैं, लोगों की भावनाएं हैं। पीएम मोदी के प्रति आस्था आप कह सकते हैं, जो कि इस तरीके से उमड़कर नजर आ रही है कि वो बताना चाहते हैं कि कैसे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, कैसे उनके कामकाज की हर वक्त वो सराहना करते हैं, जो कामकाज उनकी तरफ से किया जाता है वो इनके हित में किया जाता है, जिससे वो बहुत खुश है। और अब मैं मंदिर की तरफ मैं आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दर्शन कर लिए हैं, तो ऐसे में अब जो कपाट है वो आम लोगों के लिए एक बार फिर से खोल दिए जाएंगे, यानी कि राजभोग झांकी हो चुकी है और अब चार भोग दिन के बाकी है, जिसमें अब धीरे धीरे एक एक कर लोगों के दर्शन होंगे। ये एक और रूट है जो कि सीधे जो है आपको उसी मंदिर तक पहुंचाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे की तरफ से आए थे, क्योंकि वहां पर जो रास्ता है वो थोड़ा सा चौड़ा है, तो ऐसे में दिक्कत नहीं होती है। और ये देखिए हम मंदिर के प्रांगण की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पर अब जो है आम लोगों के लिए अब प्रवेश होना शुरू हो चुका है। देखिए ये पूरा का पूरा मंदिर जो है अपने आप में मुगल शासन काल की उस कहानी को समेटे हुए है, जो कि बार बार ये बताता है कि कैसे औरंगजेब ने अपने शासन काल के दौरान उन तमाम हिंदू मंदिरों को तोड़ने की पूरी कोशिश की थी, अपनी पूरी सेना को आदेश दिया था कि एक एक कर उन तमाम हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाए। और जब उसकी सेना इसी प्रभु श्रीनाथ के मंदिर को तोड़ने के लिए आगे बढ़ी, क्योंकि पहले ये जो विग्रह जो मूर्ति थी वो पहले मथुरा के पास गोकुल में स्थित थी, लेकिन जब उस बारे में पता चला कि सेना उस मंदिर को तोड़ने के लिए आगे बढ़ रही है, तो वहां के पुजारी ने पूरी सूझबूझ के साथ उस मूर्ति को मंदिर से बाहर निकाला और फिर कई राजाओं के साथ संपर्क किया, प्रस्ताव दिए। हालांकि कई राजाओं ने पहले तो इनकार किया, कई राजाओं ने पहले इनकार कर दिया क्योंकि औरंगजेब का डर था। फिर उसके बाद इसी मेवाड़ के राजा ने, क्योंकि मेवाड़ का ये पूरा का पूरा इलाका रखता है जहाँ पर ये मंदिर है, तो इसी मेवाड़ के राजा ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। यार अभी लाइव नहीं जा रहा था मेरे पास। छह तस्वीर आपके सामने, और इस छह तस्वीरों के जरिए दौरे के मायने आप समझ सकते हैं। पहली तस्वीर में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नाथद्वारा पहुंचे तो किस तरीके से काफिले पर फूलों की बारिश कर वहां पर लोगों ने उनका स्वागत किया, अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार हिलाते हुए आप आम लोगों को देख पा रहे हैं, और इसके साथ साथ ये मंदिर के अंदर की तस्वीरें। हालांकि ताजा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर लिए हैं और यहां से अब वो रवाना हो रहे हैं सभा स्थल के लिए, जहां पर पहले से ही लाखों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और आम जनता उन्हें सुनने के लिए पहुंची हुई है। और इस बड़ी खबर पर लगातार कवरेज जारी है, हर एक अपडेट अपने दर्शकों को पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे